हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक होगे, अपने घर पे सेफ होगे। सो गाइस, आज का शिवरात्रि मेकअप लुक होने वाला है एंड ये पूजा का लुक रहेगा। तो कुछ लोगों को बहुत बोल्ड करना पसंद होगा जो मैरिड होंगे, और जो अनमैरिड होंगे उन्हें थोड़ा सा सॉफ्ट लुक चाहिए होगा। सो उन दोनों चीज़ों को देखते हुए मैं मिडिल का मेकअप करूँगी, जो कि मैरिड वालों के लिए भी सूटेबल रहे और अनमैरिड वालों को भी, यानी कि गर्ल्स के लिए भी सूटेबल रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र, एंड इसमें कोई बताने की चीज़ नहीं है। हम सबको पता होता है कि मेकअप अप्लाई करने से पहले हमें अच्छी तरह से अपनी स्किन को प्रेप करना होता है। सो मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। NYB का प्राइमर मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छा प्राइमर है, बहुत ही अफोर्डेबल है एंड इसे बिगनर्स तो ट्राई कर ही सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। प्राइमर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमारा जो फाउंडेशन होता है वो बहुत अच्छा दिखता है एंड एक स्मूथ बेस हमें मिलता है। सो प्राइमर ज़रूर, डोंट स्किप द प्राइमर। एंड आप इसकी जगह मैं इसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। इस बार मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ अपना फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए। फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, अब बारी है कंसीलर की। तो आई एम यूजिंग इनसाइड HD कंसीलर। हमने कंसीलर अप्लाई कर लिया, उसके बाद हम पाउडर करेंगे जहाँ जहाँ भी हमने कंसीलिंग करी है, क्योंकि वरना अगर हम पाउडर नहीं करेंगे तो क्रीज हमारी आईज़ के ऊपर पड़ जाएंगी एंड उसके बाद हमारा आई शेडो जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी अल्टीमेट आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, उसमें से ये ब्राउन शेड ले रही हूँ। मेरी हुडेड आइज़ हैं तो मुझे अपनी क्रीज को ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वरना हमारा आई शेडो जो है वो दिखता बिल्कुल भी नहीं है। सो मेक श्योर जिनकी हुडेड आइज़ है वो क्रीज पर आई शेडो लगाना बिल्कुल मत भूलें, तभी उनका आई शेडो थोड़ा बहुत दिख सकता है, अदरवाइज नहीं दिखेगा। हम अप्लाई करेंगे शिमर कलर एंड ये इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का कॉन्टोर डी फोर्स हाईलाइटर पैलेट इन दी शेड 01 ग्लो जीनियस। बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैलेट है, बहुत ही ज़्यादा, मैं जितना बोलूँ उतना कम है, बट ये बहुत ही अच्छा पैलेट है। अभी थोड़ा सा गंदा है, मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, बट ये बहुत ही अच्छा पैलेट है, आप इसकी रेंज देख सकते हो। सो मैं जो इसमें से हाइलाइटर अप्लाई करूँगी वो मैं फिंगर टिप्स से अप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि फिंगर से जो शिमर कलर होते हैं वो बहुत अच्छे से अप्लाई होते हैं। तो डैब इट एंड अब देख सकते हो कि कितने अच्छे से अप्लाई हो रहा है। I'm taking this shape. Stop. इतना इनफ है। अब हम दोबारा से स्विस ब्यूटी से पैलेट से ये कलर ब्राउन डार्क ब्राउन शेड फिर से लेंगे, क्योंकि हम उन दोनों कलर को अच्छे से
मैच कर देंगे, मिक्स कर देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आई शेडो कलर आपका अलग लग रहा है एंड जो आपने हाइलाइटर कलर अप्लाई करा है वो अलग लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम अप्लाई कर रहे हैं मस्कारा फ्रॉम मेबेलिन। अब हम अप्लाई करेंगे ब्लश, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एन बाई बे की ये लिपस्टिक। बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है ये। अब हम अप्लाई करेंगे हाइलाइटर। ग्लॉस स्विस ब्यूटी का, आइस को थोड़ा सा लो रखा है तो हम लिप्स को थोड़ा सा बोल्ड करेंगे। सो हे गाइस, ये रहा महाशिवरात्रि का फुल मेकअप लुक। आई होप आप सबको पसंद आया होगा एंड इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए। सो कमेंट डाउन बिलो आपको ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है एंड आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे से कर लोगे एंड बहुत ही जल्दी हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।